देखिए, हमारे पास जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो छोटा बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिनका अपना बच्चा नहीं है। तो हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2013 और इसके रूल्स जो 2014 के हमारे हैं, उसमें हमें ये बच्चा देने का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि उसमें अडॉप्शन नहीं था। अब ये जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो हमारा सेंट्रल एक्ट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और जो मॉडल रूल 2016 है, इसके तहत मैं समझता हूँ कि जो लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे वो अब इसके तहत बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे। जैसे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है सारा कारा, उसी पैटर्न पर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी भी बनेगी। और ये मैं समझता हूँ कि जो एस्पायरिंग पेरेंट्स हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। बच्चों के राइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एनजीओज, जिसमें सेव द चिल्ड्रन, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, हमारे कश्मीर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी देर से ये एडवोकेसी कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना एक उनका व्यू पॉइंट था कि J&K कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 21 के तहत, या स्टेट का अपना एक एजुकेशन 2002 का एक्ट था। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट वाला एक्ट जो है वो टूथलेस था। वो ये चीज़ कहता था, चैरिटी की बात ज़्यादा करता था कि फ्री यूनिफॉर्म दे दो, फ्री किताबें दे दो। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये बच्चों की एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट लेता है। और बहुत सारे बच्चे कई बार कंप्लेंट करते थे कि उनको 8th के बोर्ड से या 10th के बोर्ड से या 12th के बोर्ड से उनको स्कूल्स प्राइवेट कर देते थे। लेकिन ये जो RTE आने के बाद, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को प्राइवेट नहीं कर पाएगा। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% जो है रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि उनको डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी, वो भी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो प्रावधान हैं वो पूरी तरीके से लागू होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बच्चों के राइट्स को लेकर ये एक दो चीज़ें जो मैंने आपसे कही, ये जम्मू के बच्चों के लिए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।